आज हम आए हैं हैप्पी बर्थडे पूरा मेला जैसा वाइब पे 20 का है कहीं पे 10 का दोस्तों हमारे सामने ये लाइन लगी बाउंड्री ये बनाई थी लाइन आज आगे तक शांति हमें मिल नमस्ते दोस्तों मैं हूँ कविता और ये है मेरी फ्रेंड श्रुति सो हम लोग आज आए हैं हैप्पी बर्थडे टू यू वे आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है सो लास्ट टाइम जब हम आए थे उत्तराखंड मेला में जो महोत्सव लगा है तो हमें यहाँ पे डेकोरेशन दिखी थी फिर हमें पता चला कि खाटू श्याम जी का बर्थडे है 12 तारीख को तो हमने सोचा जाते हैं उनके दर्शन करते हैं उनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हैं सो सुबह से हम लोग अभी पहुंचे हैं तो चलो दिखाते हैं यहाँ का माहौल कैसा है श्रुपति ये ब्लॉग अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल मुझे प्यारा सा लाल कलर का बटन होगा उसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा तो चलिए चलते हैं लेट्स गो ये है यहाँ का आज का माहौल उस दिन आए थे तो यहीं पे केवल डेकोरेशन हुआ था रात तक लाइट्स वगैरह चल रही थी ना बहुत सुंदर लग रहा था लेकिन आज देखो यार क्या रौनक है पूरा मेला जैसा वाइब यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे रोज भी मिल रहा है जो कि खाटू श्याम जी के लिए लोग लेते हैं उनके लिए लेते हैं मतलब सो चढ़ाने के लिए सो हम भी लेते हैं सो यहाँ पे दोस्तों गुलाब मिल रहा था तो मैंने भी ले लिया 10 रुपए का मिल रहा है सो 20 रुपए का भी मिलता है लेकिन यहाँ पे 10 रुपए का मिल रहा है तो हमने सोचा ये ले लेते हैं तो यहाँ पे आज प्रसाद भी मिल रहा है आई थिंक हलवा वगैरह कुछ मिल रहा है तो वो चीज बाद में देखेंगे पहले चलते हैं दर्शन करते हैं ये देखो यार यहाँ पे भी कितने खूबसूरत खूबसूरत रोज है ये कितने का है छोटू ये कितने का है यहाँ पे 20 का है कहीं पे 10 का है यहाँ पे जो आप प्रसाद लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो यहाँ पे देख सकते हैं खाटू श्याम जी के जो फ्रेम है वो भी मिल रहे हैं क्या प्राइस है कांगे भैया अच्छा उधर है छोटे वाले भी हैं बड़े वाले भी हैं तो आप ले सकते हो सो दोस्तों हमारे सामने ये लाइन लगी हुई है दर्शन करने के लिए बाप रे हमें पता नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है यार काफी बड़ी लाइन लगी है इधर भी प्रसाद मिल रहा है हर जगह भंडारा वगैरह लगा हुआ है सो देखते हैं जहाँ पे ये लाइन जो एंड होगी वहाँ पे लगेंगे काफी लंबी लाइन है यार ये थोड़ा हमारे लिए शॉकिंग हो गया सो चलते हैं लेकिन धीरे धीरे पहुंच ही जाएंगे आ जाओ चलो तपस्या करते हैं थोड़ी सो यहाँ पे लाइन ही नहीं खत्म हो रही हम लोग सोचा आगे अभी थोड़ा और आगे जाना है फिर खत्म हो जाएगी लेकिन लाइन बढ़ती ही जा रही है तो ऊपर के हाल कुछ ऐसे हैं और नीचे हमें जाना है वहां पे भी काफी भीड़ नजर आ रही है लाइन से सब जा रहे हैं मुझे तो आज ऐसा हो रखा है कि भाई हम पहुंच भी पाएंगे कि नहीं क्योंकि 3-4 घंटे तो आराम से आज यहीं पे लगने वाले हैं सो लेट्स सी कि क्या होता है सो दोस्तों ये लाइन तो आज खत्म नहीं होगी तो हमने सोचा नीचे चलते हैं और प्रभु के दर्शन हुए तो अच्छी बात है वरना तो बाहर बाहर से आप लोगों को दिखाकर आ जाएंगे लेकिन उम्मीद कायम है उम्मीद में सब कायम है तो ये पूरी लाइन आज आगे तक लगी हुई है ये सारे भक्त आज प्रभु के जो है दर्शन करने आए उनको हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने आए हैं सही है यार यहाँ पर आए पुण्य मिलेगा सो अभी हम लोग यहाँ पे बॉर्डर में खड़े हैं बॉर्डर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से बाउंड्री ये बनाई गई है जहाँ से हम एंट्री नहीं ले सकते जो लाइन लगा है वो उधर से सब जा रहे हैं और ये तो बड़ी नहीं रही है लाइन यार बहुत भीड़ है सो सब लोग दर्शन करने आए हैप्पी बर्थडे टू यू बोलने आए भगवान जी को मैं सोच रही थी यार इतने मतलब इतनी विशेष हमें अपने बर्थडे में मिलेगी ना तो हम तो भाई बहुत लकी मानेंगे अपने आप को मतलब इतना तो हो ही नहीं सकता लेकिन सब लोग अब आए हैं दर्शन करके ही जाएंगे आई एम ऑल्सो वेटिंग कि हमें भी चांस मिल जाए बट लेट्स सी कि क्या होता है लाइन में लग चुके हैं दर्शन करने के लिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और दर्शन प्राप्त होंगे तो आप लोगों को भी कराएंगे हम फाइनली मंदिर के पास मतलब पहुंच गए हैं आप दर्शन करेंगे अच्छे से उसके बाद आपसे बात करेंगे क्योंकि यार दर्शन तो अच्छे से करने हैं ना अंदर जाके और फिर कैमरा वगैरह अलाउड भी नहीं होगा तो थोड़ी सी देर बाद तो दोस्तों यह है यहाँ की गौशाला अभी फिलहाल बंद है तो आप लोगों को दिखा देती हूँ ने
दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए, प्रसाद भी हमें मिल गया और वहाँ से लोग वहाँ पूरा लाइन लगा के जा रहे हैं और आगे दर्शन करके फिर निकल जा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा जिस वजह से यहाँ पे सीट लगाई गई है, लेकिन एंट्री नहीं है यार, सो सब लोग दर्शन करके यहाँ से निकल जा रहे हैं। सो अब हम भी निकलते हैं और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए, अब मैं थोड़ा पार्क में आ गई हूँ। पार्क का जो माहौल है कुछ ऐसा हो रखा है और भीड़ तो काफी ज्यादा है यार। और आज फिलहाल मेरे चप्पल तो मिल गए हैं, लेकिन मेरी दोस्त के चप्पल थोड़े खो गए। एक तो मिल गया पर एक खो रखा है, पर वही ढूंढ रही है। मैंने कहा मैं भी ढूंढती हूँ, तो मैं पार्क में आई थी और मैंने सोचा आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। और काफी भीड़ आज देखने को मिल रही है यार, और ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं मतलब खाटू श्याम में ऐसे आई हूँ जन्मदिन पे। सो बहुत मन को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा, अच्छे से दर्शन हो गए। सो जल्दी से इसके चप्पल ढूंढते हैं मेरी फ्रेंड के, फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब क्या भीड़ है यार, क्या क्राउड हो चुका है इस वक्त। और मैं अब अपनी फ्रेंड को ही ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ गई वो चप्पल ढूंढते ढूंढते, एक्चुअली उसकी सैंडल मिस हो गई है। फाइनली दोस्तों 15 से 20 मिनट ढूंढने के बाद, 15 से नहीं बल्कि 20 मिनट से ज्यादा ही हो गया ढूंढने के बाद, मिल गई है इसकी सैंडल्स। यार आंखों के सामने ही थी बट दिख नहीं रही थी, क्योंकि कोई किधर लात मार रहा कोई किधर लात मार रहा, और थोड़ा सा ब्राउन कलर की भी थी तो थोड़ा दिख ही नहीं, लेकिन फाइनली मिल गए। सो वी आर हैप्पी। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। दोस्तों हमें भूख भी लग गई थी तो हम यहाँ पे जा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और नूडल्स लेके आ रही है। सो अब हम घर जा रहे हैं। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, नीचे प्यारा से लाल कलर का बटन होगा जिसे खचक से दबाकर मेरी प्यारी सी यूरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।